गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ पवन सर और आज हम क्लास 12th के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन बुक के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 12.2 पढ़ाएंगे। इस वीडियो में जो होंगे उसमें फलन के किसी भाग का अवकलन उस प्रश्न में ही दिया गया होगा, तो उसको पहचानना है और उसको किसी विशेष चर द्वारा प्रतिस्थापित करके फलन को मानक रूप में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पोर्शन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ पर x दिया गया है तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखें इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम t माने तब यह और सुगमता से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 2x बराबर dt बटे dx कितना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस dx को ले जाएंगे इधर, यक्स डीएक्स यह जो दिखाई दे रहा है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो यक्स डीएक्स बराबर हाफ डीटी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएक्स को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, डीटी को डायरेक्ट उसी तरह से लिखेंगे, पक्षांतर करने वाला काम नहीं। अब जो सवाल दिया गया उसको लिखें, यक्स डीएक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको पुट करेंगे तो यह एक्स डी एक्स के जगह पर हाफ डी टी लिखेंगे तो हाफ को पहले लिख दें, उसका कोई रोल नहीं रहेगा इंटीग्रेशन में, नियतांक बाहर हो जाएगा, और टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर टी लिखेंगे। अब यह 1 बाई एक्स डी एक्स की तरह से है, इसका इंटीग्रेशन लाग टी होता है बराबर हाफ लाग टी और एक नियतांक, चाहें तो जोड़ें न चाहें तो न जोड़ें, जोड़ दीजिए हाफ t का वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यक्स साइन एक्स स्क्वायर, हम लोग साइन के लिए इंटीग्रेशन जानते हैं लेकिन साइन एक्स स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसको मानक फलन बनाने के लिए यक्स स्क्वायर को दूसरे चर से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब दूसरे चर से रिप्लेस तभी कर पाएंगे जब यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ पर x दिया हुआ है, 2 को हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यह क्या हो जाएगा, 2x, 2x लिखेंगे 2x dx और इधर लिखेंगे dt, अब x dx इधर लिखना हाफ dt। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलें, x sin x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं sin x स्क्वायर, इस x को इसके साथ लिखना इंटू x dx, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें साइन एक्स स्क्वायर की जगह पर टी और एक्स डीएक्स के जगह पर हाफ डी टी डी टी, अब क्या करेंगे, यह हाफ बाहर आ जाएगा और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और चाहे तो यहाँ पर कांस्टेंट से ही जोड़ सकते हैं, माइनस 1/2 कॉस टी का वैल्यू रख दें एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, अब यहाँ पर यह दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, ये एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब हम लोग जो इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ पर यह जो सवाल दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, इसको कैसे लगाया जाएगा, तो पहले इसको मानक रूप में बदला जाएगा, तो मानक रूप में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर को किसी चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा, सपोज दैट टी से रिप्लेस कर दिए, एक्स स्क्वायर बराबर टी, अब यह रिप्लेसमेंट तभी होगा
जब इस सवाल में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया हो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर dt बटे dx। तो देख रहे हैं 2 नहीं है लेकिन x यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम x मैनेज कर लेंगे। अब क्या करें, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे 2x, लेफ्ट साइड में dx लिखते हैं और इधर dt लिखते हैं, हमको 2 नहीं चाहिए, तो x dx इज इक्वल टू हाफ dt। अब सवाल लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ से e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x dx, इसके जगह पर हम लोग हाफ dt रखेंगे और यहाँ x स्क्वायर के जगह पर t रखेंगे, तो हाफ dt, हाफ बाहर ले लीजिए, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t ही होता है और प्लस से इसको इधर कर लेंगे। अब t का वैल्यू रख दीजिए हाफ e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ पर यह है, इस सवाल में यहाँ पर हर में 6 घात दिया है, 16 घात दिया है और अंश में 7 घात दिया है। तो जब घात का बहुत ज़्यादा अंतर हो तो वहाँ पर जो कम घात है उसका दोगुना किया जाता है। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यह सवाल में x टू दी पावर 7 दिखाई दे रहा है अंश में, तो हम लोग जो ये छोटा घात है इसका दोगुना किया जाए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा। अब जो गुणनफल आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में पावर है, यदि इन दोनों में 2 का अंतर है तब क्या किया जाता है, दिए गए का गुणनखंड करते हैं 16 का, तो 16 को लिखा जा सकता है 2×8। अब इसमें से जो बड़ा पावर है अंदर रहेगा, अब वहां पर पावर का पावर लगाया जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 7 बटे 1 प्लस x टू द पावर 8 का स्क्वायर dx, ऐसे कर देंगे। अब यहां से x टू द पावर 8 का वैल्यू हम लोग टी पुट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 8x टू द पावर 7 dx इज इक्वल टू dt, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से x टू द पावर 7 dx इज इक्वल टू 1/8 dt। अब सवाल लेके चलो, x टू द पावर 7 1 x टू द पावर 8 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह पर x टू द पावर 7 dx के जगह पर लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर तो लिखाएगा dt बटे 8, तो 1/8 बाहर ले लीजिए और 1 प्लस t स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब 1 प्लस डी इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे 1 प्लस t स्क्वायर या tan इनवर्स t का सूत्र है, इसका इंटीग्रेशन 1/8 dt अपन 1 प्लस t स्क्वायर बच रहा है। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन tan इनवर्स के रूप में होता है, तो tan इनवर्स t हो जाएगा प्लस c, यहाँ पर 1/8 tan इनवर्स t के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे x टू द पावर 8 प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया इंटीग्रेशन x टू द पावर m cos x टू द पावर m dx, यहाँ पर देख रहे हैं cos x टू द पावर m मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बनाने के लिए x टू द पावर m को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लेट x टू द पावर m इज इक्वल टू t और x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे यह हो जाएगा n x टू द पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से x n पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1/n। तो हम लोग क्या करें, सवाल लेकर के चलो, यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 cos x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, एक तरह से करें इसको, इसके लिए पास में लिखें cos
एक्स टू पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इस पूरे को रिप्लेस करेंगे वन बाई एन डी टी से। अब कास एक्स टू पावर एन की जगह पर टी और इसके जगह पर वन बाई एन बाहर ले लेंगे और कास एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन टी और वन बाई एन साइन टी का वैल्यू रखेंगे एक्स टू दी पावर एन प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स दिया हुआ है तो यह भी मानक रूप में नहीं है, इसको भी मानक रूप में बनाने के लिए रूट एक्स इज इक्वल टू टू पुट टी पुट करना पड़ेगा। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, वन बाई टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यह इतना टू को ले जाए राइट साइड में तो डी एक्स बटे एक्स टू दी पावर वन बाई टू इज इक्वल टू टू डी टी। अब इसको लिख दें डी एक्स बटे रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। सवाल लेकर के चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी इंटू टू डी टी। टू बाहर ले लें, साइन का होता है माइनस कास टी प्लस सी, तो माइनस टू कास टी की जगह पर लिखेंगे रूट एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस टू रूट टू कास रूट एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरे सवाल में दिया है कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपने मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में इसको बदलने के लिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी मानना पड़ेगा। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी तभी मानेंगे जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इस प्रश्न में मौजूद है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई समथिंग रूट एक्स होता है। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी और रूट एक्स लिखेंगे समझेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई टू। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर वन बाई टू इज इक्वल टू टी एक बटे दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक बटे दो में से घटाएंगे तो माइनस एक बटे दो बचेगा। तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड रखेंगे बाकी राइट साइड ले जाएंगे। तो डी एक्स बटे बटे में ले जाएंगे घात प्लस हो जाएगा, एक बटे दो घात का मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, अभी पिछले प्रश्न में इसका यूज किए हैं। अब प्रश्न लिखें कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर टी और इस पूरे के जगह पर टू डी टी रखेंगे तो टू बाहर हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस काट टी प्लस सी, वैल्यू रखते हैं माइनस टू काट रूट एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे के पहले सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स टू दी पावर एम डी एक्स दिया हुआ है। अब यह फलन किसी भी तरह से मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बदलने के लिए इसको किसी चर द्वारा, इसके किसी हिस्से को चर द्वारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स टू दी पावर एम का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। अब एक्स टू दी पावर एम बराबर टी मानेंगे तभी यह मानक रूप में नहीं होगा। अब यहाँ से वन माइनस एक्स टू दी पावर एम इज इक्वल टू टी मान लें तो पूरा रूट के अंदर को रिप्लेस हो जाएगा और यह एक्स टू दी पावर एम की तरह का हो जाएगा। तो लेट वन माइनस
एक्स टू दी पावर एम इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो माइनस एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर एम माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम डी टी। अब इस पूरे के जगह पर सवाल में कितना रखा जाएगा, तो सवाल लेके चलें एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स अपान रूट ओवर वन माइनस एक्स टू दी पावर एम। अब इसके बाद से इस पूरे के जगह पर लिखेंगे माइनस वन बाई एम डी टी, तो यह नियतांक है, बाहर हो जाएगा डी टी यहाँ पर बटे रूट टी। अब इसको क्या करेंगे, माइनस वन बाई एम इसको लिखेंगे टी पर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक बटे दो हो जाएगा। माइनस वन बाई एम इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पर माइनस एक बटे दो, बहुत सारा निकालना पड़ेगा, इसको लिखा जा सकता है वन बाई एम टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी पर माइनस एक बटे दो डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो वन बाई एम टी पर माइनस एक बटे दो प्लस वन बटे माइनस एक बटे दो प्लस वन प्लस से। अब यह हो जाएगा माइनस एम टी टू दी पावर वन बाई टू बटे वन बाई टू, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये देखा कितना हो जाएगा, यहाँ से बराबर माइनस टू बाई एम और टी पर टी का वैल्यू है वन माइनस एक्स टू दी पावर एम पावर एक बटे दो प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस टू बाई एम वन माइनस एक्स टू दी पावर एम पावर वन बाई टू प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो देख रहे हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर है तो x स्क्वायर की जगह पर t मानेंगे कि 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पर t मानेंगे। अब उसका डिफरेंशिएशन पूरा हर का करके देखेंगे जो करड़ी के अंदर में है, जो करड़ी के अंदर में है उसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे क्या इस पूरे फलन में से कितना बचता है। तो वन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं जीरो बचेगा और यह एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो यहां से पूरा हर माना जाएगा। लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा जीरो प्लस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां पर देख रहे हैं एक्स डी एक्स है तो टू को ले जाए राइट साइड में तो x dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। अब सवाल को लेकर के चलें x dx बटे रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x dx में आएगा हाफ डी टी तो एक बटे दो को बाहर ले लें यहाँ पर डी टी और रूट ओवर टी। अब इसके बाद से एक बटे दो ऊपर ले जाएंगे टी पर माइनस एक बटे दो हो जाएगा डी टी, पिछले सवाल में ऐसा आया था। इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई टू टी पर माइनस वन बाई टू प्लस वन बटे माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी बराबर हाफ हाफ टी पर एक बटे दो बटे एक बटे दो, इस एक बटे दो से एक बटे दो कट जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर
और 1/2 + c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पूरे को या p मानेंगे। अब रिप्लेसमेंट करने के लिए या मानक रूप में बनाने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माने तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन यदि ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सबको टी मान लें, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद बचेगा उसमें ए स्क्वायर का कोई रोल नहीं रहेगा, इसलिए पूरे को टी मानना है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ए नियतांक जीरो हो जाएगा, ये 2xdx इज इक्वल टू dt, यहाँ से x dx है तो x dx इज इक्वल टू हाफ dt। सवाल लेके चले हम, x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू x dx। अब इसके बाद से इसमें क्या करें, इसके जगह पर या होल टू द पावर n, इसके जगह पर t पुट करें और इसके जगह पर हाफ dt पुट करें, तो हाफ dt आएगा, तो 1/2 बाहर लिख लें, t टू द पावर n इंटू dt, इंटीग्रेट कर दें, 1/2 t टू द पावर n प्लस 1/(n+1+c), 1/2 बाहर ले लीजिए और t के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n बटे n+1+c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यह फलन देखें, यह फलन इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम देख रहे हैं x टू द पावर 5 के का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया है, तो x टू द पावर 5 बराबर t मान लें, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर x टू द पावर 5 माइनस 1 दिया है, यदि x टू द पावर 5 माइनस 1 पूरे को t मान लें तब भी हमारा काम बन जाएगा, फलन और छोटा हो जाएगा। तो लेट x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5x⁴ - 0 dx - 0 इज इक्वल टू dt। अब इस 5 को इधर ले दें, x⁴ dx इज इक्वल टू 1/5 dt। अब यह सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सवाल लेके चलें, x⁴ x⁴ - 1 × x⁴ - 1 / 3 dx। अब सवाल को थोड़ा सा ये जो पुट करने वाला है इस तरह से बना रहा है, x⁴ - 1 / 3 × x⁴ dx, इस पूरे के जगह पर हम पुट करेंगे 1/5 dt, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर t पुट होगा तो t⁴ / 1/3 और यहाँ पर 1/5 dt, 1/5 बाहर हो जाएगा और t⁴ / 1/3 का जब को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 + 1/(1/3+1). अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें तो t⁴ इसको जोड़ेंगे तो यह 4/3 हो जाएगा, अब 4/3 इसका गुणा इधर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, या बराबर में होगा 3 का गुणा ऊपर होगा 3 और 4 × 5 = 20 t⁴/3 इज इक्वल टू 4 × 5 = 20 होगा, 20 t का वैल्यू है x⁴ - 1 / 4/3 + c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। x
अंडर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स, यह कैसे लगेगा देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन यह दिया हुआ है एक्स एक्स बटे रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर बराबर टी माने तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया है, रिप्लेस हो जाएगा और फलन भी मानक फलन में बदल जाएगा। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। अब इसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर सवाल लेकर चले, एक्स डी एक्स बटे रूट ओवर वन माइनस एक्स टू दी पावर फोर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, डी एक्स की जगह पर हाफ डी टी बटे वन माइनस, यह सवाल लिखा गया था एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो वन माइनस टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन, तो एक बटे दो और डी टी बटे वन माइनस टी स्क्वायर, यह साइन इनवर्स टी का फार्मूला है प्लस सी हो जाएगा, एक बटे दो साइन इनवर्स टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इक्वल टू वन बाई टू साइन इनवर्स टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है एक्स बटे वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर, देख रहे हैं मानक रूप में नहीं है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर एक्स क्यूब आएगा, जबकि यहाँ पर एक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर चार घात है, तो चार का गुणनखंड करेंगे तो दो गुणे दो आएगा, तो इसका दुगुना करेंगे तो दो और दो चार, ऐसे सिचुएशन में अभी पिछले सवालों में बताए हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक घात छोटा घात अंदर और बड़ा घात, तो दोनों बराबर है यहाँ पर, इसमें गुणनखंड करेंगे तो बड़ा घात अंदर और छोटा घात बाहर, यहाँ पर तो दोनों बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करें तो यह डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अब सवाल लेकर के चलो, एक्स बटे वन प्लस एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स डी एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखें का स्क्वायर, अब एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू लिखेंगे और बटे रूट नहीं है वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू डी टी वन अपान वन प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स टी होता है तो टेन इनवर्स टी प्लस सी, अब जिसका वैल्यू मालूम है टी का वैल्यू रखें टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स डी एक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर साइन वन बाई एक्स मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में बनाने के लिए वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा, और यह तभी पुट कर सकते हैं जब वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हो प्रश्न में, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन समथिंग वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, हमारा काम यहाँ से बन जाएगा, तो लेट वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे या एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन एक्स पावर माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों यहाँ पर है
इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब सवाल को लेकर के चलें, वन बाई एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो सवाल को थोड़ा सा एक तरफ करें जिसको रिप्लेस करना है, तो वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे के जगह पर माइनस डी टी रखेंगे। अब इस तरह से देखें क्या लिखाएगा, इंटीग्रेशन इंटू माइनस डी टी, माइनस साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, माइनस कास टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास टी का वैल्यू रख दें वन बाय, कास टी का वैल्यू वन बाय एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।